नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में आपका स्वागत है। आज है 5 अक्टूबर। तो आज 5 अक्टूबर के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सबसे पहले कल के वीडियो में लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसके बारे में चर्चा करते हैं। इस वीडियो के भी लास्ट में एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आप कमेंट करके जवाब जरूर बताएं। क्वेश्चन था कल वाला, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती मनाई गई थी। पहला क्वेश्चन है, पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किसे नियुक्त किया गया है, ये SS मल्लिकार्जुन को नियुक्त किया गया है PNB बैंक के। ये रहे, आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं, यही है SS मल्लिकार्जुन राव जो PNB के CEO बने हैं हाल ही में। PNB है तो PNB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना 19 मई 1894 में हुई और इसके संस्थापक हैं दलित दयाल सिंह मजीठिया और लाला लाजपत राय। SS मल्लिकार्जुन राव को पंजाब नेशनल बैंक PNB के प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में इलाहाबाद बैंक के मुख्य कार्यकारी के रूप में सेवारत है और वह PNB के सुनील मेहता का स्थान अभी लेंगे। आपको करंट अफेयर का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगी, जहाँ से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं और इनमें आपको इस PDF मिल सकती है और स्टडी मटेरियल से संबंधित PDF अपलोड करते रहते हैं, तो आप उनमें भी ज़रूर ज्वाइन करें। नेक्स्ट है 2 नंबर, हाल में किस बैंक ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हाल ही में किस बैंक ने किए हैं, वो BOB बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा BOB है। तो उसके प्रबंध निदेशक और CEO है PS जय कुमार और इसका मुख्यालय BOB का है, बड़ौदा गुजरात है। बैंक ऑफ बड़ौदा BOB ने भारतीय सेना के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसके तहत बैंक खाताधारकों को सुविधाओं की मेजबानी के साथ साथ अनुकूलित सेवाएँ भी प्रदान करेगा। इस MOU के अंतर्गत निःशुल्क व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर 15 लाख से 50 लाख रुपए तक की हवाई दुर्घटना बीमा कवर और शुद्ध मासिक वेतन की 3 गुना तक ओवर ड्राफ्ट सुविधा शामिल है इसमें। ये सुविधाएं 70 वर्ष की आयु तक भारतीय सेना के पेंशन धारकों के लिए लागू है। नेक्स्ट है 3 नंबर, किस राज्य ने पान मसाला की श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाया है? तो किस राज्य ने लगाया है, ये राजस्थान राज्य ने लगाया है हाल ही में पान मसाला पर प्रतिबंध लगाया है। तो राजस्थान है तो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत और राजस्थान के गवर्नर हैं कलराज मिश्र। भारत में महाराष्ट्र और बिहार के बाद राजस्थान मैग्नीशियम कार्बोनेट, निकोटीन, तंबाकू, खनिज तेल और सुगंधित सुपारी वाले पान मसालों की कुछ श्रेणियों पर प्रतिबंध लगाने वाला 3रा राज्य बन गया है। तो पहला राज्य कौन सा है, महाराष्ट्र है, उसके बाद बिहार, अभी कौन सा है, राजस्थान 3रा। इस प्रकार की सभी उत्पादों को अब खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में प्रतिबंध कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है 4 नंबर, किस भारतीय राजदूत के द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट पे प्रेजेंट और फ्यूचर का विमोचन एमस्टर्डम में हुआ है? तो हाल में किस का हुआ है, वेणु राजामुनि, ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है वेणु राजारोमी। नीदरलैंड के भारतीय राजदूत वेणु राजा मोनी द्वारा लिखित पुस्तक इंडिया एंड द नीदरलैंड पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर का विमोचन एमस्टर्डम में हुआ है। ये पुस्तक दोनों देशों के बीच एक सांस्कृतिक विरासत का बोध कराती है। इस पुस्तक का विमोचन नीदरलैंड के एक समारोह में हुआ है जिसमें वहाँ के राजा और रानी उपस्थित थे। इस पुस्तक की पहली प्रति डच के राजा विलेम अलेक्जेंडर द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को उपस्थिति में प्राप्त की गई। यह पुस्तक बॉम्बे इंक द्वारा प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है 5 नंबर, आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट करके बताना ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 5 नंबर है क्वेश्चन, किस देश ने महात्मा गांधी पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है? तो किस देश ने जारी किया है, ये फिलिस्तीन ने महात्मा गांधी पर
एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है जो उनकी विरासत और मूल्यों का सम्मान करते हुए विश्व नेता की 150वीं वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए है। फिलिस्तीनी प्राधिकरण के दूर संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री इसाक शेडर ने रामलाल में डाक टिकट जारी की है। फिलिस्तीन द्वारा स्मारक डाक टिकट जारी करना गांधी की स्मृति विरासत और उन मूल्यों के सम्मान के अंतर्गत आता है जो निर्देशित और मानवता को मार्गदर्शित करते हैं। नेक्स्ट अच्छा नंबर, राष्ट्रव्यापी पर्यटन पर्व 2019 की शुरुआत कब की गई? तो राष्ट्रव्यापी पर्यटन वर्ष 2019 की शुरुआत 2 अक्टूबर को की गई। राष्ट्रव्यापी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में 2 अक्टूबर को पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन किया गया। यह आयोजन महात्मा गांधी की 150वीं जयंती को समर्पित है। इसके साथ ही पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटन पर्व 2019 का आयोजन 2 से 13 अक्टूबर 2019 तक देश भर में किया जाएगा। नेक्स्ट है 7 नंबर, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एक जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी शुरू किया है? तो किस राज्य ने किया है? उत्तराखंड ने। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड की राजधानी के बारे में चर्चा करते हैं। राजधानी है देहरादून है। उत्तराखंड के गवर्नर है देवी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक जागरूकता अभियान ऊर्जागिरी शुरू किया है जिसका उद्देश्य बिजली चोरी को रोकने और बचत करना है। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड में बिजली के नुकसान से बचने के लिए व्यापक जागरूकता की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर दिया है इन्होंने। नेक्स्ट है 8 नंबर, किस राज्य सरकार ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो किस राज्य ने? उड़ीसा सरकार ने, राज्य सरकार ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह उड़ीसा राज्य है तो उड़ीसा राज्य के सीएम है वह नवीन पटनायक और गवर्नर है गणेशी लाल। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने मो सरकार कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। यह कार्यक्रम गांधीवाद सोच को बढ़ावा देता है साथ ही लोगों को उनके अधिकारों के प्रति आवाज़ उठाने के लिए प्रोत्साहित करता है। मो सरकार का उद्देश्य सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रदर्शित व्यवहार और व्यावसायिक प्रतिक्रिया एकत्र करने शासन में सुधार करना है। यह कार्यक्रम कटक सबलपुर और बहरामपुर के 21 जिलों मुख्यालयों अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में शुरू किया गया। नेक्स्ट है 9 नंबर, टाटा कम्युनिकेशन के नए एमडी और सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा कम्युनिकेशन के नए एमडी और सीईओ अमूर एस लक्ष्मी नारायण को नियुक्त किया है। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है यही है अमूर एस लक्ष्मी नारायण, ये टाटा कम्युनिकेशन के हैं एमडी और सीईओ। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता टाटा कम्युनिकेशन ने अमूर एस लक्ष्मी नारायण को कंपनी के प्रबंध निर्देशक और सम्मोहक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है। उन्हें दुनिया भर में उद्योगों और क्षेत्रों में नेतृत्व की भूमिकाओं की एक विस्तृत श्रृंखला में 35 साल का अनुभव रहा है। इस नियुक्ति से पहले लक्ष्मी नारायण टाटा कंसल्टेंसी सर्विस TCS जापान के अध्यक्ष और सीईओ थे। उन्होंने कंपनी के ग्लोबल हेड ऑफ टेलीकॉम मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सर्विसेज हाईटेक और यूटिलिटीज और TCS चुके यूनाइटेड किंगडम और यूरोप के प्रमुख के रूप में काम किया है इन्होंने। अभी 10 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, 2019 अंचर नानसेन शरणार्थी पुरस्कारों से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये किसे सम्मानित किया है? ये अजीज बेग असुरो को। ये जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे यही है अजीज बेग असुरो। अंचर है उसकी स्थापना 14 दिसंबर को 1950 में हुई और अंचर की मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। किर्गिस्तान के मानवाधिकार वकील अजीज बेग असुरो को 2019 संयुक्त राष्ट्र उच्चायुक्त शरणार्थी एंचर प्रतिष्ठित नानसेन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। असुरो को 7 अक्टूबर 2019 को जेनेवा में एक समारोह में पुरस्कार दिया गया है जाएगा। इस पुरस्कार में एक स्मारक पद होगा और USD 1.5 लाख की नगद राशि शामिल है। एंचर ने
अजीज बेग असुराव को उनके संगठन फ्रेंगरो वेली लोरेस विदाउट बॉर्डर FVLWB के साथ किर्गिस्तान की मदद करने के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। यह पहला ऐसा देश बन गया है जिसने राज्य विहीनता को खत्म कर दिया है। उन्हें संगठन ने 10,000 लोगों को किर्गिज राष्ट्रीयता दिलाने में मदद की है। अब लास्ट में आपसे पीछे का करंट का क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आप कमेंट करके जवाब जरूर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करना, सभी दोस्तों के साथ शेयर करना। सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड किसे प्रदान किया है? तो इसमें पहला ऑप्शन है विदा बालन, दूसरा अमिताभ बच्चन, तीसरा ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर और चौथा ऑप्शन है गीता फोगाट। तो इसमें करेक्ट आंसर और कमेंट जरूर बताएं। सबसे प्रभावशाली स्वच्छता एम्बेसडर अवार्ड किसे दिया गया है? आप इस PDF को हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करें। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब लिखा है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। धन्यवाद दोस्तों। इस चैनल पर हम करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान, GK, सामान्य विज्ञान से संबंधित और एग्जाम को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण प्रश्न और पीछे के एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों की वीडियो अपलोड करते रहते हैं। भर्ती से संबंधित सूचना, एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की के भी वीडियो अपलोड करते रहते हैं। अगर अभी तक YouTube चैनल एग्जाम स्टडी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आगे की वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर करें और इस वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। जितने भी व्हाट्सएप, फेसबुक जितने भी ग्रुप हैं उन सभी में इस वीडियो को शेयर करना। तो बने रहिए आप इस YouTube चैनल एग्जाम स्टडी पर डेली नई अपडेट के साथ।